अपने क्रिकेट के पैशन के लिए जब वो टिकट कलेक्टर की गवर्नमेंट जॉब छोड़ रहा था, तो शायद उस दिन उसे भी अंदाजा नहीं होगा कि उसकी गिनती एक दिन महानतम क्रिकेट कप्तानों में होगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महेंद्र सिंह धोनी की, जिसने अपनी कैप्टनसी में भारत को T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और न जाने कितने इंटरनेशनल टूर्नामेंट जिताए हैं। गाइज, अगर आपको भी अपने सपनों पे भरोसा है और अगर आप अपने सपनों के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो, तो आपके सपनों को हकीकत में बदलने में समय नहीं लगता। गाइज, फॉलो योर ड्रीम्स विद पैशन। जब वो 25 साल की थी तो उनकी मदर की डेथ हो गई। तब वो एक बुक लिख रही थी। अफसोस की बात ये थी कि उन्होंने अपनी मदर को बताया भी नहीं था कि वो एक बुक लिख रही है। उसके जस्ट थोड़ी दिन बाद उनकी शादी हो गई, एक बच्ची हुई। लेकिन यहां से लाइफ में प्रॉब्लम्स और बढ़ गई। 13 महीने ही हुए थे कि उनका डिवोर्स हो गया। फिर अपनी बच्ची को लेके वो ब्रिटेन शिफ्ट हुई। हालात इतने खराब थे कि उनके पास रहने को घर नहीं था। कैफे में अपनी बच्ची को गोद में रख के उन्होंने बुक लिखना जारी रखा, छोड़ा नहीं। जैसे तैसे करके उन्होंने अपनी बुक कंप्लीट की। लेकिन जैसे ही उन्होंने कम से कम 12 पब्लिशर्स को यह बुक भेजी, उन 12 पब्लिशर्स ने ये कह के उस बुक को पब्लिश करने से मना कर दिया कि यह बुक बच्चों को समझ में नहीं आएगी। लेकिन वो कहते हैं ना, लक फेवर्स द ब्रेव, कुछ ऐसा ही हुआ। एक पब्लिशर ने फाइनली उनकी बुक को पब्लिश करने के लिए हाँ भर दी, क्योंकि उस पब्लिशर की 8 साल की छोटी सी बच्ची को वो बुक बहुत अच्छी लगी थी। बस फिर क्या था, पूरे वर्ल्ड में 450 मिलियन कॉपीज बिकी उस बुक की। एक बार किसी ने एक लड़के से कहा कि चाइना में एक फूड चेन रेस्टोरेंट KFC बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तुम्हें जॉब की जरूरत है, अप्लाई करो, आज तो तुम्हें जॉब मिल ही जाएगा। जब शाम को रिजल्ट आया तो 24 लोगों में से सिर्फ एक ही का सिलेक्शन नहीं हुआ, और वो लड़का वही था। 3 बार में मुश्किल से इंग्लिश की डिग्री लेने के बाद उसी लड़के ने 30 अलग अलग जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन कहीं से भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। हर जगह से रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। एक बार तो वेटर की जॉब के लिए वो बंदा 4 घंटे तक धूप में खड़ा रहा, लेकिन वेटर की जॉब भी उसे नहीं मिली। पुलिस स्कूल से उसे ये कह के निकाल दिया, दैट यू आर गुड फॉर नथिंग, मतलब तुम किसी लायक ही नहीं हो। आप जानते हो उस इंसान का नाम क्या है? वो इंसान चाइना की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी का फाउंडर है, जैक मा। हमें उसकी वर्थ में इंटरेस्ट नहीं है। सवाल यह है कि इतनी बार गुड फॉर नथिंग सुनने के बाद भी वो इंसान ट्राई कैसे करता रहा यार। जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, जब मेरे साथ वालों का सिलेक्शन हो रहा होता था और मेरा नहीं होता था, तब मैं अपने आप को बोलता था कुछ तो खास है मुझ में। लुक एट द एटीट्यूड। और अगर आपका ऐसा एटीट्यूड रहा गाइज, तो मैं आपको गारंटी देता हूं, जिंदगी में आप वहां तक पहुंच जाओगे जहां तक जैक मा पहुंचे हैं। सो गाइज, स्टे मोटिवेटेड, बिलीव इन योर सेल्फ, फोकस इन यू। जब पहली बार उसने एक्टर बनने की ख्वाहिश जाहिर की, तो लोगों ने उसे आईने में अपनी शक्ल देखने की सलाह तक दे डाली। 12 साल लग गए बॉलीवुड में एक मेन रोल के लिए, और उन 12 सालों में सर्वाइवल के लिए उसे वॉचमैन की जॉब तक करनी पड़ी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, जिसकी एक्टिंग का लोहा आज बॉलीवुड मानता है। सर, हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया। की कामयाबी के बाद उनको उनकी माँ की एक बात याद आती है, जो उसे हमेशा मोटिवेट करती थी। उसकी माँ कहा करती थी कि बेटा, जगह तो कचरे की भी बदलती है, तो फिर भी एक इंसान है। अपने आप पे भरोसा रखिए, मेहनत करते जाइए, क्योंकि एक न एक दिन आपका वक्त जरूर बदलेगा। एक दर्जन में कितने केले आते हैं? 12। यू राइट। बट अगर उसी ठेले वाले को आपने बोला कि भैया एक दर्जन की बजाय एक मोल केले दे दो, सो उसको एक मोल केले काउंट करने में 20 साल लग जाएंगे, इतना बड़ा नंबर है ये। अब क्वेश्चन ये है कि एक मोल में कितने केले काउंट करने पड़ेंगे? आई टेल यू। एक मोल में 6.023 × 10⁻²³, इतने केले उसको काउंट करने पड़ेंगे, कितना ह्यूज नंबर है ये, आई टेल यू। अगर आपने इस बोल की साइज के 6.023 × 10⁻²³ बोल्स इकट्ठे किए, तो आप उससे एक पूरी अर्थ बना सकते हो, पूरी अर्थ। गॉट इट? यस। माइकल जॉर्डन से किसी इंटरव्यू में पूछा गया कि यू आर अमेजिंग, यू आर ऑल टाइम बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर इन द वर्ल्ड, क्या कहना चाहते हैं अपनी सक्सेस के बारे में? तो उसने जवाब दिया कि आप लोग सिर्फ मेरी सक्सेस को देखते हो, उसके पीछे के फेलियर को नहीं देखते। मैं यहां तक पहुंचने के लिए 9000 टाइम्स फेल हुआ हूं, 9000 टाइम्स मैंने अपने शॉट्स मिस किए। गाइज, लाइफ में हर कोई फेल होता है, प्रॉब्लम इसमें नहीं है,
पर प्रॉब्लम इस चीज में है जब आप फेल होने के बाद बैठ जाते हो, क्विट कर देते हो, वहां प्रॉब्लम है। क्विट सिर्फ लूजर करते हैं, विनर सिर्फ एक ही बात जानता है कि मैं गिरूंगा तो वापस उठूंगा, मैं दूसरी बार गिरूंगा तो फिर से उठूंगा, मैं तीसरी बार गिरूंगा तो फिर से उठूंगा और तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक मुझे मेरा लक्ष्य मिल नहीं जाता। दैट इज कॉल्ड विनर एटीट्यूड एंड यू हैव टू बी लाइक दैट। कोई भी चीज एक दिन में नहीं होती, लेकिन एक दिन जरूर होती है अगर आप कंसिस्टेंसी और फोकस रखते हो तो। चलो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। बिल गेट्स अगर अपना पूरा काम छोड़ के हर दिन 7 करोड़ रुपया खर्च करें तब भी उनकी वर्थ 220 साल में खत्म होगी। इतना वर्थ उन्होंने अचीव किया है अपनी लाइफ में। पर क्या आप जानते हैं कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है, कितनी कंसिस्टेंसी अपनी लाइफ में रखी और कितना फोकस उन्होंने दिखाया है? आई विल टेल यू। सुनने में तो ये भी आता है कि अपने स्ट्रगल के दिनों में वो रात में ही जूते पहन के सो जाया करते थे ताकि सुबह उनका वक्त खराब ना हो। अब आप लोग कहेंगे कि जूते पहनने में तो 5 ही मिनट लगते हैं, इस 5 मिनट की कीमत उन्होंने समझी तभी तो वो इस मुकाम तक पहुंचे। इसलिए गाइस, जो भी चीज आप चाहते हो ना उस पे कंसिस्टेंसी और फोकस रखना बहुत जरूरी है, और अगर आप लोगों ने भी ये किया तो आप लोग उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे जहां तक शायद बहुत ही कम लोग पहुंचे। सो फोकस इन यू, स्टे मोटिवेटेड।